सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा है? बड़ा ओ आपने सीखा ना, ये ट्रैश करने के लिए दिया था हमने, और ये जो खाली स्पेस है उसको भरने के लिए दिया गया था। आप लोगों ने भरा होगा इसे, और नहीं भी भरा होगा तो भर लीजिएगा इसे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आज री। हमने आज क्या सीखना है? री। तो री के लिए री से क्या होता है? ऋषि। तो ऋषि ऋषि होता है। तो ये हमने चार लाइंस में सीखना है कि कैसे हमें री लिखना है। ठीक है, ये फोर लाइंस में हमें सीखना है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप एक हमें स्टैंडिंग लाइन लेना है, जिसको खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें स्टैंडिंग लाइन थर्ड लाइन को कवर करना है, 1, 2, 3। ठीक है, थर्ड लाइन हुआ हमारा। तो इस थर्ड लाइन में हमें थर्ड मिडिल लाइन में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है? ऐसे। ठीक है, और इसको आकर के हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेम टू सेम करना है। सेकंड स्टेप में ऐसे आकर के एक उसके ठीक नीचे एक और लाइन लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में हमें क्या करना है? ऐसे करना है, ऐसे, और थर्ड में इस लाइन को ले जाकर के ऐसे मोड़ लेना है। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ जब आएगा, ये देखिए, ये हुआ, ये, ऐसे, ये। ठीक है, मतलब कि आपको फोर्थ लाइन में, जैसे ये री है, तो ये हमने देखिए अभी हमने लाइन नहीं दिया है, इस पे लाइन को स्क्रैच नहीं किया है। तो ये आपका रहा ये, और ऐसे ले जाइएगा इसको मोड़ करके ऐसे, और ये रहा री। ठीक है, तो इसको हमें फोर्थ लाइन में सीखना है कि कैसे री होता है। ठीक है, तो इसको हमें फोर्थ लाइन में कैसे लिखना है, देखिए। हमने फोर्थ लाइन की पहले ही दिया था ना, फिर हम दे रहे हैं इस तरह से, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा, थर्ड ऐसे, और ये ले जाकर ऐसे, ये ऐसे, ये रहा री। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, ये आप वीडियो भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। ठीक है, क्या करना है इसको? फर्स्ट जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, आपको ट्रेस करना है। ठीक है, इसको इसी पर से पेंसिल आपको घुमाना है, और बहुत बार घुमाना है। घुमाते घुमाते आप लोग जब यहाँ पे सीख लोगे, तो यहाँ पे भी ट्रेस करना है। और जब यहाँ पे ट्रेस करने के बाद देखिए, यहाँ पे रेड डॉट दिया गया है। ठीक है, ये रेड डॉट है, तो हमें इस तरह से, जिस तरह ऊपर दिया गया है, इसको इसी तरह से हमको यहाँ पे प्लेस पे फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हम जब फिलअप कर लेंगे, तो जब आप पिछला भी जो हमने पढ़ाया हुआ है, जैसे ये अ था, आ था, जितना स्वर वर्ण है हमारा, तो ये अ आ छोटी ई बड़ी ई, इसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए, अ से अनार हमने सीखा था, अ से अनार सेकंड में था, आ से आम, आ से आम, ठीक है, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईद, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊंट, और आज हमने क्या सीखा? ऋषे ऋषि। ठीक है, तो ये आपने जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे ही आप ट्रेस कीजिएगा, ट्रेस करके यहाँ पे भी फिलअप कीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा ए से एड़ी। ठीक है, ए से एड़ी, सबके पैरों में आप लोग जहाँ पे ये देखिएगा, आप लोग बुक जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो बुक को जरूर ओपन कीजिएगा। बुक को ओपन करते हुए यहाँ पे ट्रैश भी कीजिएगा, लिखिएगा भी और वीडियो भी देखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कहाँ पे सर्कल किया हुआ है, कहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है कि कौन सा हमारा एड़ी है, तो ये ए से एड़ी होगा। ठीक है, तो ए को भी हमने आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखना है, बट आज भी हम देख ले रहे हैं कि कैसे ए हमने लिखना है। ठीक है, फोर्थ लाइन हुआ, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये ऐसे लाकर, ऐसे लाकर, और ऐसे सीखना ए। ठीक है, ये देखिए, ये हमने ऐसे डाल दिया है, बट ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखना है। हमने क्या सीखना था आज? री, ऋषे ऋषि सीखना था। और जब हमने ये ऋषि ऋषि सीख लिया है, तो
तो पिछला जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसको हमने रिवाइज करना है, ठीक है। ये देखिए, आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा होगा ना, ये सब आपने पढ़ाई है। आपको पर डे बहुत प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को प्रैक्टिस करने में हाथ नहीं उस पर से बैठेगा, आप लोग नहीं लिख पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये हमें डॉट डॉट जहाँ पे दिया हुआ है वो तो लिखना ही है, और नेक्स्ट क्या करना है कि हम लोग के साथ एक नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। ये जब बुक का पेज हमारा फिलअप हो जाता है, बुक का पेज हमारा जब खत्म हो जाता है, तो हमने क्या करना है, एक नोटबुक रखना है। नोटबुक्स के सहारे क्या करना है, नोटबुक में भी फोर्थ लाइन होते हैं इंग्लिश के नोटबुक में, तो उस फोर्थ लाइन को इससे मैच करके हमने रीलिखना है, ठीक है। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा है। अब हमने आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ऋषे ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ऐनक में चश्मा होता है, ठीक है। ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगूर आपने अच्छा लगता होगा ना खाते समय, अच्छा लगता है। अ से कुछ नहीं, अ से हमारा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा डॉट डॉट जहाँ पे, जो आप लोग इसको देखिएगा पर वीडियो में सीखिएगा, ठीक है। आप लोग इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।